हाय गाइस, मेरा नाम है गुलशन। मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियो बनाई है सीपी प्लस डीवे के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने तरह तरह के सेटिंग बताई हैं। लेकिन मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि विदाउट इंटरनेट अगर आपको अपना डीवीआर मोबाइल पे देखना हो या फिर लैपटॉप पे देखना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर लैपटॉप पर देखना हो तो सिंपल है, तो आपने जस्ट लैन वायर जो है अपने डीवीआर से लैपटॉप में प्लगिंग करनी है, आपके लैपटॉप में प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में वाला ऑप्शन तो होता नहीं है कि आप लैन वायर जोड़ सकें। तो उसके लिए मैंने एक मॉडम परचेज किया है। तो एक मॉडम, एक लैन वायर जो आपको डीवीआर से जोड़नी है, आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, कोई इनपुट नहीं आएगी इसमें, सिर्फ एक लैन वायर जोड़ूंगा मैं और एक इसका अडोप्टर है पावर देने के लिए, वो जोड़ूंगा। तो इसके थ्रू मैं डीवीआर कनेक्ट करके आपको फोन पे बताऊंगा फोन पे आपको क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी। तो चलते हैं एक बार लैपटॉप पे टीवी पे कि आपने डीवीआर में सेटिंग कैसे करनी है आपने। अब ये मॉडम है हमारा। मॉडम में एक तो हमें लैन वन, लैन टू, लैन थ्री, लैन फोर किसी भी एक पॉइंट पे लैन वायर डालनी है, अडॉप्टर कनेक्ट करना है, लैन वायर का दूसरा हिस्सा डीवीआर में और अडॉप्टर 220 के सॉकेट में। जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लैन कनेक्टर इसमें कनेक्ट कर दी है। अब एक बार मॉडम को ऑन करते हैं, मॉडम का सॉकेट जो है 220 में डालते हैं। ये मॉडम है हमारा, 220 डालते हैं, इसमें लाइट जल जाएगी। तो इसको स्विच में कनेक्ट करते हैं, लाइट जल गई और सामने डीवीआर में आप देख रहे हैं वहाँ पे भी लाइट येलो कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब हमारा डीवीआर से लैन कनेक्ट हो गई है। तो अब एलईडी में क्या क्या सेटिंग करनी है डीवीआर की, सबसे पहले राइट क्लिक मार के मेन मेन्यू खोलना है इसका। तो राइट क्लिक मार के ये मेन मेन्यू खोला, इसमें पासवर्ड इंसर्ट करना है। मेरा पासवर्ड इस टाइम 123456 है। नॉर्मली डिफॉल्ट जो इसका पासवर्ड होता है वो एडमिन का एडमिन होता है। तो इसको ओके कर दीजिए। देन आपको सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क पे क्लिक करना है। नेटवर्क में आपको आईपी नोट करनी है, जैसे आप देख रहे हैं सीरीज है 192.168.1.240। तो इसका मतलब हमारी जो सीरीज है 192.168.1 की सीरीज है। तो नीचे आप गेटवे भी देख रहे हो, गेटवे भी डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 है। तो बस ये सीरीज हमें नोट करनी है। अब इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें अपने लैपटॉप में आईपी देखना है, मॉडम का आईपी हमारा क्या है। तो मेनली हमारा मॉडम का आईपी भी सीरीज सेम ही रहेगी, उसका भी आईपी डिफॉल्ट आईपी 192.168.1.1। तो उसको आईपी को हम चेंज कर सकते हैं, 2 से लेकर 255 तक कोई भी आईपी हम रख सकते हैं। तो सपोज हमने इसका आईपी लिया 192.168.1.5, इसको अप्लाई करके सेव कर देते हैं। अब हमारे डीवीआर का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.5। तो ये वाले आईपी से हमारे फोन पे अब कैमरे चलेंगे। तो बस आपने ये आईपी को नोट कर लेना बिल्कुल, इसको आप कुछ भी कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 7 कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने मोबाइल फोन पे, उसमें क्या क्या सेटिंग करनी है मैं आपको वो बताता हूँ। तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपने हाथ में लीजिए। अब आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करके आपने इसमें सीपी प्लस सर्च करना है। मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है बिकॉज मेरे वाईफाई में इंटरनेट नहीं है, तो मैं वाईफाई को बंद कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करने तक। तो वाईफाई बंद करके अगेन रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे सर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने डालना है सीपी प्लस। तो डालते ही पहली एप्लीकेशन आएगी GCMOB। तो मेरी तो इंस्टॉल हो रखी है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, मैं तो इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद कैमरे पे क्लिक करना है। तो अब मैं अपना जो डाटा नेट कनेक्शन है उसको बंद डिसेबल कर दूंगा और अपने वाईफाई को ऑन कर दूंगा, ताकि मेरा जो मॉडम है जो भी मेरे डीवीआर से कनेक्टेड है वो मेरे फ़ोन से भी कनेक्टेड हो जाए। तो गुलशन गुलशन नाम से आई वो है मेरा। तो
उसे कनेक्ट करने के बाद जैसा आप देख रहे हैं कनेक्ट हो चुका है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे तीन लाइनें बनी हुई हैं, इस पर क्लिक करूँगा, डिवाइस मैनेजर पर जाऊँगा, यहाँ प्लस का साइन है इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है आईपी डोमेन, तो आईपी डोमेन में जाऊँगा, यहाँ पे नेम में डाल दूंगा माई होम, आईपी एड्रेस जो है वो है मेरे डीवीआर का 192.168.1.5। बाकी सेटिंग मुझे कुछ चेंज नहीं करनी, सिर्फ लाइव प्रीव्यू जो है वो एक्स्ट्रा के बदले मेन कर दूंगा ताकि मेरे डीवीआर क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। ये करके इसको स्टार्ट लाइव प्रीव्यू क्लिक कर दूंगा। तो इसका पासवर्ड चेंज है, क्योंकि मैंने डीवीआर का पासवर्ड चेंज किया हुआ है, मैंने डाला हुआ है 123456, तो मुझे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। देन स्टार्ट लाइव प्रीव्यू। तो एक बार ये डिवाइस हमारी सेव हो गई है, तो वापस कैमरा पे क्लिक करते हैं। अब कैमरा ओपन करने के लिए राइट हैंड पे जो कैमरा बना हुआ है टॉप पे, इसको क्लिक करना है। क्लिक करके सबसे नीचे माय होम नाम से डिवाइस सेव है मेरी, उस पे डॉट पे क्लिक लगा देना है और स्टार्ट लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये मेरे भी डीवीआर में कोई भी कैमरा प्ले नहीं हो रहा, इस वजह से ब्लैक आ रहा है, बट मेरे डीवीआर मेरे नेट से मेरे फ़ोन से कन्फिगर हो गया है। तो ये फंक्शन था आपके डीवीआर को आपके फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। अब लैपटॉप पे कनेक्ट करना होगा मुझे सेम, तो लैपटॉप पे क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लीजिए, ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको आईपी डालना है 192.168.1.5, जो हमारे डीवीआर का आईपी है। आपका आईपी कुछ चोर हो तो आप चेक कर लीजिए उसे। वो डालने के बाद आपको एंटर मारना है, आपका सीपी प्लस का पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड है 123456। नीचे लैन और वैन का ऑप्शन है, यहाँ पे लैन पे क्लिक कर देना है, इसको लॉगिन कर लेना है। आप अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो मे बी आपसे कुछ एक इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो ओपन ऑल करके हम कैमरे को ओपन कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोसीजर नंबर टू, जैसे कि आपका पहला प्रोसीजर था मोबाइल पे ऑन करना, सेकेंड है लैपटॉप पे ऑन करना। तो लैपटॉप पे ऐसे वाईफाई, मेरा वाईफाई कनेक्ट हो रखा है लैपटॉप पे, अभी इंटरनेट चल नहीं रहा बट कैमरे चल गए। अब दूसरा प्रोसीजर है KVMS Pro, कि KVMS Pro के थ्रू जैसे सपोज आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर काम नहीं करता, तो आपने KVMS Pro डाउनलोड करना है, जो कि आपको CD मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है, मैंने कोई तो डिवाइसेस का ऑप्शन आया नीचे, डिवाइस पे क्लिक करके नीचे आप देख रहे हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। दो IP डले हुए मेरे से पहले के, मैं आपको इशू समझाता हूँ उसको डिलीट करके। तो सबसे पहले दोनों IP डिलीट कर दिए हैं। अब आपको मेनली अपने इसको रिफ्रेश करना है पेज को। रिफ्रेश करते ही ऊपर ऑनलाइन में आपका जो DVR आपके लैपटॉप से अटैच होगा, जैसे मेरा ये IP आ रहा है 192.168.1.5 से क्लिक करके इसको ऐड कर लीजिए। तो पूछेगा कंफर्म करने के लिए, ओके कर दीजिए इसे। तो नीचे आपका IP आ गया और ऑनलाइन भी शो करेगा, ये ऑनलाइन शो इसलिए नहीं कर रहा, पासवर्ड मेरा मैच नहीं कर रहा। तो इसको एडिट करके मैं पासवर्ड का एडिट कर दूंगा 123456, उसको सेव कर देंगे। अगर इसको चेंज करोगे तो नीचे आपका सीरियल नंबर, कितने चैनल का DVR है, वो सारा डिटेल्स आ जाएगी। तो उसको सेव कर दीजिए। अब ऊपर चलते हैं होम पेज पे, और यहाँ पे चलते हैं लाइव व्यू पे। तो यहाँ पे आपने राइट हैंड के साइड पे वो देख रहा होगा, ये इस पर डबल क्लिक कीजिए अपने आईपी पे। तो डबल क्लिक करते ही आपके कैमरे ऑन हो जाएंगे। तो एक ऑप्शन ये है जैसे आपके कैमरे आपके लैपटॉप पे ऑन हो जाएंगे काफ़ी ईजी तरीके से। तो ये तीन तरीके थे, पहला आपका मोबाइल पे प्ले करना, मोबाइल की सेटिंग मैंने आपको बताई, मोबाइल पे इंस्टा ऑन की एप्लीकेशन बना रखी है मैंने, आप वो चेक कर सकते हो। दूसरा आपका लैपटॉप में इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ऑन करना, और तीसरा आपका KVMS Pro के थ्रू। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक पे क्लिक करें, और हो सके तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।